राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सत्ता जाने के बाद कांग्रेस छटपटा रही है, राजनीतिक माहौल गरमाया वह स्वाभाविक है क्योंकि 15 महीने की सरकार गिर गई है। आगे कहा कि कुर्सियां आती है और जाती है, हमें जनता की सेवा की चिंता करनी चाहिए। साथ में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में काबिलियत की कोई कदर नहीं, जो कि सही नहीं है। इसलिए मैंने और साथी विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी। शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस विफल हुई है, मुझे विश्वास है कि शिवराज की सरकार उन वादों को पूरा करेगी। बता दें, यहां वे आज पूर्व सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मिलने उनके घर जाएंगे, जिसमें सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बीच की मुलाकात काफ़ी अहम है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाकर विरोध करने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। मीडिया के हमारे प्रभारी उमेश जी, हमारे मंत्री जी, तुलसी जी, उषा जी, रमेश मंडोला जी, समस्त यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण और मेरे मीडिया के समस्त भाई और बहनों, मैं अपना गौरव समझता हूँ कि इंदौर में आज मेरा प्रवेश हुआ है। एक तरीके से मेरे लिए ये तो एक गृह नगरी भी बनती है, क्योंकि मालवा निमाड़ की राजधानी इंदौर से देव रही है, देवी अहिल्याबाई की नगरी है। और सबसे प्रथम मैं प्रणाम और दंडवत करना चाहता हूँ पूजनीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और जिनके साथ एक पारिवारिक संबंध सिंधिया परिवार का सदैव रहा है, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनकी पुण्यतिथि थी कल और हम सब लोग उनका स्मरण कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने इस राष्ट्र के विचारधारा, इस राष्ट्र की प्रगति और विकास में एक एक ईंट के साथ इस देश को बनाने का काम उन्होंने किया था, आज उनकी स्मृति में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं आज इंदौर आया हूँ एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए। शाही सवारी है उज्जैन में, यहाँ समस्त हर वर्ष की तरह आज भी मैं उपलब्ध हूँ। राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि 15 महीनों की जो सरकार रही थी कांग्रेस शासन की, जिस पैमाने पर मैंने भ्रष्टाचार देखा, जिस पैमाने पर मैंने वादा खिलाफी देखी, मैंने कम से कम अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसे कीर्तिमान स्थापित होते हुए नहीं देखे। और यही कारण रहा कि 22 हमारे जनप्रतिनिधि, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने 15 महीने के छोटे अवधि में ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और दोगली सरकार के विरुद्ध जनता की सेवा में जमीन पर उतर के कार्य करेंगे। इन सब ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेरे साथ ली। और हमें पूरा विश्वास है कि इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में केवल भारत की प्रगति और विकास सुनिश्चित नहीं होगी, लेकिन उसी के साथ भारत की संविधान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा उनके हाथों में ही सुरक्षित है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में जमीन से जुड़कर कार्य करेंगे और इस मध्य प्रदेश में जो एक भ्रष्टाचारी और एक
वादा खिलाफी की सरकार थी, चाहे किसानों की ऋण माफी की योजना रही हो, चाहे कन्यादान की योजना रही हो, और जिस तरीके से आम भ्रष्टाचार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमने बार बार अपनी आवाज़ उठाई लेकिन सुनी नहीं गई। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है, और जो लोग आजकल पिछले 3-4 महीनों से बहुत सारे मीडिया में फिल्म निकाल रहे हैं और ये सब निकाल रहे हैं, उनको सबसे कड़ी जवाब मिलने वाली है जनता की अदालत में आने वाले महीने। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं भुगता हूँ भैया, न होना चाहिए आपको। जिस तरीके से आप बताइए, पहले आपकी ऊर्जा देखकर दोबारा बहुत दिनों बाद ऊर्जा दिख रही है आपकी, बहुत दिन आप सुस्त थे। देखिए उनको देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, और खास करके कांग्रेस के नेता, वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई, एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार किया कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब वो जो भी कहना चाहें कहें, उनको अपना पूरा हक है कहने के लिए। हम अपने तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो जनता के विश्वास पे उतरना चाहते। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था, मैं 2002 से, जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूँ, और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूँगा। कुर्सियाँ आती हैं, कुर्सियाँ जाती हैं, जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कुर्सी के खेल में हम लोग ना लगें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।